पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। आज समझते हैं हम लोग 1962 की जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए, जिस तरह से इंडिया को इंडियंस, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी कहते हैं, एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए, एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको टाइम ध्यान से देख रहे हैं, इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। पिकमिट की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा, जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा, जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा। तब क्या करती है सब, आगे जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे, 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ, अब है फिजिक्स का नियम, इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है, और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है, और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए कहते हैं, फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, इसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ। आधा घंटा इसे तौलिया उलिया मारने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा, समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला कर रही है, जो CBSE बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एक ड्रायर रख ले रहती है, ऐसे देखिए एक भोंपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे इसे धुआं मार के होके सुखा देती है, CBSE बोर्ड वाली होती है। और तुम लोग ससुराल लड़की है को देख रहे हैं ना, अरे बकलोल कही का कितना समझाए तुम लोग को, लड़की सबको देखिएगा, उन सबका हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है, और लड़कों का जीवन क्या है, एक हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से नीचवा ऐसे गिरा देगी सब, इट्स ट्रू, और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सर। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है, बकलोल का एग्जांपल दूसरा देते, अच्छे से पढ़ाई उड़ाई करके नौकरी उकरी लीजिए लोग, और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना, तो घर वाला क्या करेगा सर, कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है काली। फिर ये ज्यादा मेकअप तेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, यानी कि ठोड़ ओढ़ रंग के घूमने लगे हैं कोरोना के बीच में, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला, कोई सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसनो रहेगा, एकदम करिया भूचे लेके चल जाएगा। और ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा, मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी, इकोनॉमिक्स की। हम CBSE बोर्ड से पढ़ते थे, अकेले उसमें काला थे, सब हमको कालिया कालिया बोलता था सर, CBSE वाला सब गोरा गोरा होता है, सब चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ हुआ है सब, हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग काला हो गए लोग, सुबह सुबह चाय गोरा था सर, हमको काला काला बोलता था, हम कहीं भाड़ में जाओ CBSE बोर्ड, हम CBSE छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में चले। हमको सबसे ज्यादा बेइज्जती किया है CBSE बोर्ड वाला, हम काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है। सब बोलता था कालिया कहीं का CBSE में आ गया। चलो सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया, नहीं बाबू अभी है। नील नदी है बाबू, इधर मिस्र में दिखेगा आपको। अरे पकलो लो, कौन कर रहा है, राहुल सिंह बिटबो करेंगे, काश आपकी शादी CBSE बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम। CBSE वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है। कर रहा है CBSE वाला, माता लड़ा लेंगे हम। सुबह उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर।
ये अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। ओ माय गॉड, दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास भूस कुछ खा जाता है सब दुका। सुबह उठते टोस गरम करेगी, अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। तो हिंदी मीडियम वाला लो भाई, हमारा कहता है सीबीएसई वाला से बिया हो जा, पिटबो करेंगे। प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, दूर ससुर से। मेरी वाली सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली ससुर से दिन रात गिफ्ट मांगती है। वाह साहब रुकी जमाल है। हम गए थे उसमें क्या नाम है, अभी तबीयत ठीक नहीं था तो दिल्ली गए हुए थे, तो एम्स में तो एक लड़का था वो फोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है। हम लोग खाना खाने बैठे थे तो ओकरी वाली कह रही है कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं से सुन रहे, गधा के मीट मांग रही है क्या ऐसे। डंकी डोनट हम कौन से खरीद रहा है, देखे उस तो चुना है कोई इतने जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए, तभी हम समझे कि पक्का ही सीबीएसई वाली है। अरे तो कौन सी खा रही थी, एंगन गोल टाइप का था, अगर ये डंकी डोनट, हमरा लगा गधा का मीट खाएगी। तब समझ में आना है डंकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती है सर, जानती है सर कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम में दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहलका वाले से कह देंगे आ जाओ क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी कोई दिक्कत। आगे देखिए, एशिया कंप्लीट होने दो बाबू फिर समझाएंगे। रजत सिंह है, एशिया किन किन देशों से अलग होता है और एशिया यूरोप में कौन सागर अलग करता है। बाबू एशिया कंप्लीट हो गया कि लगे कूदने। आगे समझते हैं, ये बोलता है मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल, कहीं कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह बम का जमाना है उड़ा दो साले को। अरे पहले की लड़की बोलते थी सब कोई पत्थर से ना, आज की लड़की क्या बोलती है, आया बाहर है जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा न तो दूसरा तैयार है। ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए इसे लग रहा है मोबिल पोतले है। ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सर। बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं है। अफवाह, मानसून से रिलेटेड अफवाह क्या होता है भैया, अफवाह तो बहुत सारे चीजों का हो जाता है, अफवाह बहुत उड़ाया जाता है कोनो कोनो चीज का। कहा जाता है कि भैया धूप में बारिश हो रही है तो गधा का ब्याह हो रहा है, ये भी तो अफवाह है। ये कौन सा मानसून से रिलेटेड, मानसून में तो ऐसा कोई वृष्टि छाया ही नहीं है कि गधा के ऊपर पड़ेगा तो धूप में बरसा होगा तो गधा का ब्याह होगा। सियार का ब्याह होता है गधा का नहीं, देखिए सियार है समझ गया ही। वाह समझा गया, तो फिल्म उलिम में चश्मा गजब पहनता है, ऐसे लेके ऐसे ऐसे नचा के पता नहीं कैसे पहन लेता है, यही सोचा ऐसे लेगा सब ऐसे नचा के पहन लेता है, फिल्म में हीरो होता है टकला पे माचिस जला देता है। एक वो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मैंने तू भगवान तेरे बाप का नौकर है कि तेरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा। कि कौन मानसून आएगा ओकरे यार के लिए, लड़की सबको लड़का ऐसे ही चढ़ा देता है सब। बताओ यार पूरा मानसून में कहीं ऐसा मानसून है जो इनको यार हंसेगा दास चिया देगा आए हैं तो वर्षा कराओ। अरे सुन तू बृष्टि छाया में होगा तो कहां से वर्षा होगा, तुम आओ यहाँ कोरोमंडल तट पे हंसो चाहे रो ठंड में वर्षा हो जाएगा, मालाबार तट पे जाओ, लड़की सबको फुसला दो फुसल जाएगी सब, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए।
आंसर बकलोल रहे हैं जिन्हें मानसून पढ़ा रहे हैं। इनके यार लगे चल जा, कहो ए नेक्स्ट ईयर वर्षा होगा। कहीं क्या ये आदमी का मानसून पड़ेला में दिक्कत हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस किधर से आएगा? अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा? मालाबार से टकराएगा। 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। सूर्य की स्थिति बताओ, इनके यार हंस रहा है बारिश की जाए। यार हंस रहा है। 2 साल बाद उसका जो यार है जिसके लिए बारिश करा रहा था, वही यार इनके आंखों से बारिश कराएगा। समझ में आएगा दिल किया। इस चचा सब को कौन समझाएगा? लड़की सबको अगर खुश रखना है ना, बस तारीफ करो, बस तारीफ करो। वो हाथी भी हो जाए ना, कहे तुम तो हिरन लगती हो ससुरित रही। नहीं हिरन लगती हो, उसको कभी तारीफ में कोई कमी नहीं आने देना, कोई भी तारीफ। एकदम आनर हो जाए ना तो उसका नाम रख दो नयन सुख। ससुरा नयन सुख, नयन ससुरा सब बिना लेवल का गाना गाता है। देखो भाई अब आगे आते हैं, लड़की सब सुनती है तो घुसी आती है सब, क्या करेगी सब घुसी आके? हम तुम लोग को सावधान करते हैं, लड़का सब बेवकूफ बनाता है सब। सर जी आप मजाक मत उड़ाइए लड़की सब का। हम लड़की सब का कहाँ मजाक उड़ाते हैं यार। कोई लड़का बोल दे हम लड़की का मजाक उड़ाते, सारे लड़के मेरे पक्ष में। हम दो लोग का कभी मजाक नहीं उड़ाते, सीबीएसई बोर्ड वालों का, लड़की सब का। एक हमारी रिलेटिव थी, उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए। हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे तो उनका बचवा बीमार था, ठीक हो गया। तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना, हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है। हम कहे बचवा को छोड़ के कहाँ चाहिएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हम ही। तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला, हमके दूर से सुने तुम्हें मंगलो कह तो कौन चीज। हमको लगा इतनी चुकी है ले आ देंगे, कौन रंग का चाहिए? तो कहें लाल रंग का। हमको अभी खरीदे नहीं थे, दुकान पे गए, हम कहें कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए। तो हम कहीं कौन कंपनी है, कौनों दे ना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए। तो कहें लाल रंग में कौन रंग? हम कह रे तुरी क्या ये कौन चीज होता है, लालों में कई रंग होता है क्या? तो हम कहे दिखाइए, अरे बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी। हमारा तो दिमाग ही सनक गया। तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, ये दूसरे जगह यूज रखता है। तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-43 नंबर का। मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी। अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है? तो कह रही हाँ खा ली है। अरे सचरी कहीं क्यों इतनी चुकी हो जाएगी तो करा गोदी में लेके ना ना घूमेंगे। कोई कहेगा कौन है? तो खान सर उनकी मेरा रुए गुड। सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिंटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा, कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेगा कौन सी बोल रहा है बाप के सार? अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। तो वही ऐसे पूछता है। भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया, हम तो आपको धाय दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में? अब लड़का पगला गया है, टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई? टुंडरा टैगा लो, टुंडरा टैगा यहाँ पर, वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है? ये सबको उन्होंने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता कहीं आगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम? इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही है सब, टुंडरा बोल रहे तो अपन फोटो भेज रही है। और दिखाइए तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला, और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटा बना रहा तो इमोजी बोला जाता है।
ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया यार, टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश है ना, वहां के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं सब। आगे इतना भयानक काला होता है सर कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि ये काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की रहेंगे सर, आज वे सबसे फसल लाती है सर, एकदम खौराइल रहेगा। खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना, एक देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की हूँ अभिषेक बच्चन, बताइए हम लोग उस टाइम खाली थे लोग। और दिखाइए, अजब हाल है भाई, वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया यहाँ। कश्मीर में